स्वतंत्रता दिवस पर आज हर एक क्षेत्र में जहां सरकार की नीतियों पे जो है देखने को मिल रहा है कि हर घर तिरंगा को जो है जागरूक करने के लिए हर जो है क्षेत्रों में जो है यह तिरंगा अभियान चल रहा है और आज आज़ादी का पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में आज मौजूद है झोटारी में, जो इस क्षेत्र के कासमाबाद के जो है क्षेत्र से SDM साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे ही कुछ बात करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम लोगों का 76 वर्ष आज़ाद हुए हो गया है जी। आज हम लोग 77वां जन्म आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में अमर शहीद स्वर्गीय अवध नारायण पांडे जी की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे द्वारा उनके परिजनों को और उनको सच्ची परिजनों को नमन किया गया है, उनको सम्मान किया गया है और इनको अवध नारायण पांडे जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं ऐसे वीर सपूतों को बार बार नमन करता हूँ, यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। मैं तो सबसे बड़े गौरवान्वित इसलिए हूँ कि इस माटी का पैदा हुआ मेरा भाई जो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और इस सरकार का मैं आभारी हूँ, उस मोदी जी का मैं ऋणी हूँ जिसने भारत के इन महान सपूतों को इस तरह से शिलापट पहुँचा करके और उनके विचारों को, उनके परिवारों को प्रशासन के द्वारा अमृत महोत्सव के नाम पर पूरे भारत में सम्मान देने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ऐसा यह इतिहास में प्रथम बार हुआ है। यहाँ के माटी को, शहीद के घर की माटी को, इस गांव की माटी को ले जा करके और दिल्ली में एक भारी स्मारक शहीदों के लिए जो निर्मित कराया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, हम शहीद परिवार इससे ज़्यादा सम्मान के पात्र नहीं हैं और हमको जो सम्मान दिया मैं खुश हूँ। और इस कार्यक्रम में एक मेरे आवाज़ पर, एक मेरे निवेदन पर, आप माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को मैं इनके सामने कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो आपने मेरे ऊपर कृपा किया है शहीद परिवार पर और इस क्षेत्र पर, मैं आपका ऋणी हूँ। और आए हुए मनोज जी, ब्लॉक प्रमुख कासमाबाद, और भी जो साथी जो अन्य दलों से भी आते हैं, शहीद किसी का होता नहीं, किसी दल का नहीं होता, इसलिए मैंने सबको आमंत्रित किया है। गांव के लोग भी, सबको मैं शरण वंदन करते हुए सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं, और इससे बड़ा सम्मान मुझे क्या हो सकता है कि प्रशासन खुद आकर के और उन्हें सम्मानित किया, उनकी पत्नी को सम्मानित किया। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं उस प्रशासन का, और इसके बाद जो करेगा सरकार उसे मैं अपने सर रख करके उसका नमन करूँगा। धन्यवाद, यही मेरे। और एक और चीज़ बात है कि सबसे पहले आपसे भी जानेंगे कि आज जो वीर शहीदों को एक जहां तक जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको यादगार जो है ये साबित करते हुए उस पहल को किस तरह से जनता के बीच में रखने का काम कर, हमारी मोदी जी की सरकार ने जो अमर शहीदों के लिए सम्मान देने का कार्य किया है, क्योंकि लोग अमर शहीदों के बलिदान को भूलते जा रहे थे, याद नहीं करते थे, जिसके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम, हर घर तिरंगा, हर घर पहुँचना, शहीदों को नमन करना, इसके लिए मैं अपने सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उचित सम्मान उन्होंने शहीदों को दिया है, पूरे देश में दिया है, इसके लिए मैं उनका। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग भी अपने जो भी शहीद है उनका सम्मान करें, जो भी नागरिक है उनका सम्मान करें, सहयोग करें, देशभक्ति के रस में डूबे रहें, जो भी सहयोग बने अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खास जानकारी रही जो हमने देखा कि ये वीर शहीदों के एक जो है स्मृति पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और एक और चीज़ है कि उन शहीद के परिवारों को एक बड़ी मजबूती मिलेगी कि जो है उन वीर सपूतों को जहाँ तक बड़ी बलिदानी देनी पड़ी, आज उस बलिदानी को, उनके जो है यादगार पल को जो है गाँव तक जो है पहुँचाने का जो कार्य किया जा रहा है हमारे इस सरकार के तहत, और ये गाँव में जो है जागरूकता अभियान होनी चाहिए। इस पहल को लेकर सभी लोग बड़ी खुश है और पहल को जो है हर गांव में जागृत करने का पूरा श्रेय चलता है। और इसी बीच थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि जो राणा विजय राजभर जी है, बहुत अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं, उनसे भी एक शब्द चाहेंगे इस अवसर पर। सबसे पहले हम उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिए, और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी यहाँ से बधाई ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आज आज़ादी के 76वें अमृत महोत्सव पर हमारे अवधनाथ पांडे जी,
जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। अवधनाथ पांडे जी के गांव शेरपुर डोटारी की माटी, गाजीपुर से चल करके शहीद धरती से, गाजीपुर से वीर यशोभूमि से चल करके और दिल्ली में शहीद स्मारक बनेगा, स्थापित होगा वहां पर अगर यह जाता है, हम लोग सबके लिए, गाजीपुर वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, हम उनके सम्मान में, उनके सहयोग में अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। मैं अपने गुरु महाराजा श्री अनंत राय जी महाराज, जो कि ग्रेटर कूच बिहार के महाराजा हैं और आज वर्तमान में राज्यसभा सांसद राज्यसभा सदस्य हैं, हम उनके जो है नक्शे कदम पर, हम उनके जो है बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं और हमें उम्मीद है वो भारत के भावी राष्ट्रपति भी होंगे और इस देश को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए वो काम कर रहे हैं और हम लोग उनके सहयोग में लगे हुए हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। और एक बात मैं गाजीपुर से संदेश देना चाहता हूँ, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, हमारे राजनाथ सिंह काका रक्षा मंत्री सीमा पर लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं और सेना का जो है कर्ज बढ़ा के 40 गुना बढ़ा दिया और धन्यवाद के पात्र हैं। हम अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज भारत में विपक्षी दलों के हर चुनौती को स्वीकार किया है। आज जल रहा है जो है मणिपुर जल रहा है और हमारे विपक्ष के लोग उस पे जो है हाथ सेकने का काम कर रहे हैं, लाशों पे हाथ सेकने का काम कर रहे हैं, धिक्कार है ऐसे विपक्ष पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सबको मिलकर लड़ेंगे तब एक मजबूत भारत बनेगा और जब शहीदों के सपनों के लिए लड़ेंगे तब एक मजबूत भारत बनेगा। गाजीपुर के स्वामी सहजानंद जी कहा था कि लड़ना सीखे तब लड़े, भाग्य भगवती देवी देवता और भगवान को माने लेकिन अपने कर्मों को, इन सेनानियों की तरह अपने कर्मों को याद रखें। और उन्होंने कहा था कि आज़ादी क्यों मिली उसका मतलब समझे और समझाए। और हमारे एक महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जी भारतवर्ष के सम्राट थे, 1947 में अटलांटिक चार्टर समझौता किए थे जिसके तहत 26 देशों को आजाद कराया गया, लेकिन आज उस आजादी का मतलब क्या है? आज भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारी और कर्मचारी जो हमारे अपने भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज सौगंध लें, संकल्प लें और अपने भाइयों को जो नेता, राजनेता और जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कि उन किसान भाइयों के आंसू पोछे, उन मजदूर भाइयों के आंसू पोछे, उन माता विधवाओं के आंसू पोछे, उन बहनों के आंसू पोछे, न कि उनको आंसू देने का काम करें, ऐसा शहीदों का सपना नहीं था। जय हिंद, बहुत धन्यवाद। और इस जो है वीर शहीद के जो है श्रद्धांजलि पे अब जो लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये सरकार की जो मंशा थी, ये सरकार की पहल को जो है गांव तक जागृत करने का काम किया। सबसे पहले एक शब्द आपसे भी जाए। रामकरण बिंद, मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। मेरी माटी मेरा देश के तहत जो है आज शहीद अवधनाथ पांडे जी की सच्ची श्रद्धांजलि मनाई गई है। मैं इस पूरे परिवार को जो है नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और यह संदेश दे रहा हूँ कि आप जो है अपने अपने घरों में जो है एक वृक्ष लगावें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, यही हमारी शुभकामना है।